तो वही चुनाव में डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। सियासी दलों के लिए ये मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है और सबसे ताजा मामला तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ही जुड़ा है, जिनकी चुनावी सभा का एक वीडियो भी खूब वायरल हो गया है। लेकिन अब इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन भेजा है। 1 मई को उनसे पूछताछ हो सकती है। आरोप है कि सोशल मीडिया एक्स के अपने अकाउंट से रेवंत रेड्डी ने फेक वीडियो शेयर किया था। कल ही दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर FIR दर्ज की थी। अब प्रधानमंत्री ने भी चुनावी रैली में फेक वीडियो के मसले पर हमला बोला है। व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती है और हम भी कभी देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा आया। आज दुनिया में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी के हैं तो जो पहले 2-3 नाम है उसमें आपका एक मोदी है, क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक FIR करना पड़ा, वो लोग सारे पकड़े गए। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। ये कोई भी फेक चीज आए उस पर भरोसा मत करना। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अमित शाह के फेक वीडियो पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल और फेक वीडियो पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ईसी से शिकायत के बाद बोले हैं अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस चुनाव को डीरेल करना चाहती है। कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है, भी कहा अश्विनी वैष्णव ने, और बीजेपी पूरी तरह से इस पर हमलावर है और इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की जाकर। और इसी बीच आरक्षण को लेकर भी सियासत खूब गरमा रही है। आज फिर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और उसका जवाब पीएम मोदी ने दिया है। संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, RSS के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। मैं जरा चुभने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूं। इतने आरक्षण के गीत गा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी, जम्मू कश्मीर रहने वाले दलित, क्या वो आरक्षण के हकदार थे कि नहीं थे? जब देश के दलितों को आरक्षण मिल सकता है, देश के आदिवासियों को आरक्षण मिल सकता है,
तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया? संविधान वहां पर लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप पर हावी रही है।